जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट के बारे में, जो मध्य प्रदेश की पोस्टल सर्कल की रिक्रूटमेंट जारी कर दी गई। इसमें आपकी टोटल 2834 पदों के भर्ती इसमें जारी की गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सारी डिटेल देने वाले हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, इसकी सैलरी के बारे में, इसमें कितनी पोस्ट वाइज पर वैकेंसीज हैं, सारी डिटेल्स वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो मध्य प्रदेश पोस्टल सर्कल रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। दोस्तों इसका जो नेम है वो है एमपी पोस्टल सर्कल रिक्रूटमेंट 2000 पोस्ट के बारे में। दोस्तों जो टोटल वैकेंसी है वो 2834 पदों पर इसमें भर्ती की जाएगी। इसकी जो स्टार्टिंग डेट्स की बात करें तो 8 जून इसकी स्टार्टिंग डेट है और इसकी जो क्लोजिंग डेट है यानी जो लास्ट डेट है वो 7 जुलाई 2020 है। यानी टोटल आपको एक महीने का समय मिलता है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग इसको फिल कर सकते हैं। इसकी वैकेंसी जो आपकी बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज है, 2834 पदों पर भर्ती इसमें जो की जाएगी बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज हैं। अब दोस्तों इसकी जो अप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये और मेल कैंडिडेट्स के लिए केवल है। अब बाकी जो अदर कैटेगरी है एससी एसटी ओबीसी वगैरह इनके लिए आपको बिल्कुल फी फ्री है। फीमेल कैटेगरी के लिए भी एक्सटेंडेड है, ठीक है दोस्तों, फ्री यानी। इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो जो जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मिनिमम एज आपकी 18 साल है, मैक्सिमम आपकी 40 साल है। यानी जो इसमें आपको जो एज ली जाएगी वो 8 जून 2020 इसमें आपकी एज ली जाएगी। और उसमें एस सी एस टी के लिए 5 साल की छूट मिलती है और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट मिलती है एज लिमिट में। इसकी जॉब लोकेशन की बात करें तो इसकी जॉब लोकेशन आपकी मध्य प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें आपकी जॉब दी जाएगी। अब दोस्तों इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन आपको 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको 10th की परीक्षा पास आउट होनी चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो आप उसको भी लगा सकते हैं कंप्यूटर डिप्लोमा, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके साथ साथ आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी अगर जनरल है तो उसके लिए जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। अगर आप ओबीसी या एससीएसटी या कोई अन्य कैटेगरी से हैं तो उसके लिए आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब दोस्तों इसकी पोस्ट वाइज वैकेंसीज की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 292 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 292, पीडब्ल्यूडी ए के लिए 33, पीडब्ल्यूडी बी के लिए 30, पीडब्ल्यूडी सी के लिए 29, पीडब्ल्यूडी डीई के लिए 21 है, एससी के लिए 428, एसटी के लिए 566 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1139 पदों पर भर्ती की जाएगी। यानी टोटल आपकी जो वैकेंसीज हैं वो 2834 पदों पर भर्ती इसमें की जाएगी। अब दोस्तों इसकी बात करें कैटेगरी वाइज सैलरी की तो सैलरी में आपकी बीपीएम पोस्ट के लिए आपके 12,000 से लगाकर 14,500 रुपये तक मिलेगी। जैसे जैसे आपको जो सेकंड लेवल के लिए जो 14,500 है, अगर आप थर्ड लेवल का जब मिलेगा आपको सैलरी तो उसकी भी सैलरी आपको बढ़ेगी। अब जो नेक्स्ट है एबीपीएम या फिर डाक सेवक के लिए, उसके लिए 10,000 से 12,000 रुपये इसमें सैलरी मिलेगी। इसको अप्लाई करने के लिए आप इसको ऑनलाइन माध्यम से जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.apipost.in से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जाकर इससे आपको ऑनलाइन कर देना है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है तो उसमें हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये है आपके सामने, नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक मध्य प्रदेश सर्कल, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आपको दोस्तों इसमें सारी डिटेल देखने को मिल जाती है, इसमें आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है और इसमें आपकी सैलरी है और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में इसमें आपकी भर्ती की जाएगी, सारी की सारी डिटेल्स में दी हुई है। आपको कैसे फॉर्म भरना है वो भी आपको दिया गया है, सारी स्ट्रक्चर मतलब आपको जो डिटेल्स है सारी चीज़ें इस नोटिफिकेशन पीडीएफ में दी हुई है। तो आपको क्या करना है इसकी हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसकी लिंक पड़ी होगी तो वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप सारी डिटेल पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद ही आप इसको अप्लाई कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो हमें कमेंट कर बताइए कि हमें ये डाउट लगता है, तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बता दूंगे या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम को हमें जाकर हमें फॉलो कीजिए और वहाँ पर कोई भी आप हमको क्वेश्चन पूछते हैं तो हम उसके लिए आंसर जरूर देंगे। मैंने अपने इंस्टाग्राम के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए तो वहाँ से जाकर जल्दी से हमको फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो एमपी पोस्टल सर्कल रिक्रूटमेंट यानी मध्य प्रदेश पोस्टल सर्कल रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। तो दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।